नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर रजक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल से बोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सबसे सस्ता आपको होम थिएटर के बारे में जानकारी दूंगा, आइए आज मैं उसका आपको प्रैक्टिकली और थ्योरिकली दोनों प्रकार से नॉलेज देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो उसमें FM लगाया जाता है, FM के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, जबकि पूरे सर्किट के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। उस 5 वोल्टेज की सप्लाई के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ कि वहाँ पे एक IC लगाई जाती है, वो IC ये है LM7805। इसकी एक नंबर पिन जो होती है वो इनपुट पिन होती है, यानी इसमें 12 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, और 2 नंबर पिन जो है इसकी ग्राउंड होती है, 3 नंबर जो पिन होती है वो आउटपुट होती है, यहाँ से 5 वोल्ट आउट होती है। इसके सीरीज जो है इस प्रकार से है LM7805, यानी ये 5 वोल्ट की है, ये 7812, यानी ये जो लास्ट के जो हैं ये 12, ये बोल्ट को दर्शाती है, ये 12 वोल्ट की है। जैसे 7815, ये 15 वोल्ट की सप्लाई के लिए है, या 7824, तो ये 24 जो दिए हैं ये 24 वोल्ट की सप्लाई के लिए दर्शाता कि ये 24 वोल्ट की सप्लाई को रेगुलेटेड करके दे सकता है। उसके बाद आता है एक दूसरी IC लगाई जाती है होम थिएटर में, जो मेन IC होती है ऑडियो एम्पलीफायर IC। तो ये ऑडियो एम्पलीफायर IC है ICTDA 2030, उसका इक्विवेलेंट जो दिया है TDA 2050, इस प्रकार से LM386, ये अलग अलग प्रकार के यानी इक्विवेलेंट IC, इसकी जगह पे कोई भी IC आप उपयोग कर सकते हैं। ये IC 5 पिन की होती है, मैक्सिमम इसका आउटपुट जो होता है, ऑडियो आउटपुट होता है वो 20 वाट का होता है, और ये 6 वोल्ट से लेकर अपना 36 वोल्ट तक पर ये ऑपरेट होती है। इसकी पिन नंबर 1 जो है ऑडियो इनपुट पिन होती है, उसके लिए ऑडियो इनपुट, दूसरा ऑडियो इनपुट जो होता है माइनस में होता है, तीसरा नंबर ग्राउंड होता है, चौथा नंबर जो होता है साउंड आउटपुट के लिए होता है, और पांचवा जो होता है सप्लाई के लिए होता है। ये सप्लाई पिन है, इस तरीके से ये दिया हुआ। उसके बाद एक और बॉस के लिए अलग से एक अलग से IC लगाई जाती है, IC4558, ये IC लगाई होती है, ये भी 12 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं, ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। इसकी एक नंबर पिन ये है, यहाँ से एक नंबर जो है आउटपुट पिन है, यहाँ से ये देखिए बेस के लिए, यहाँ टोन कंट्रोल के लिए यहाँ से ये निकलते हैं वायर। इसकी 1 2 3 4 5 6 नंबर पिन जो होती है इनपुट पिन होती है, यानी ऑडियो सिग्नल इस पर दिए जाते हैं, और इसके बाद यहाँ से ये 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, इसको ये सप्लाई दी जाती है। इस तरीके से ये सर्किट काम करता है। अब इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे सर्किट बनता है इसका। देखिए आप, ये 7805 है, अपन ये बना रहे हैं अपनी, ये IC बना रहे हैं 2030 IC, ऑडियो आउटपुट IC ये बनी हुई IC। ये 2030 हो गई, ये IC, इसकी एक नंबर पिन ये है, इसमें मैंने एक पिन क्या दी है, ये अपन ने यहाँ से ये वायर उठाया और यहाँ से एक वायर ये निकाला, ये दोनों वायर अपने जैक पिन पे जाएंगे, यहाँ से इनपुट हो गए, इनपुट हो गए। उसके बाद तीसरी नंबर जो पिन होती है वो ये है, तीसरी पिन मैंने बताई आपको ग्राउंड, ये अर्थ है इसको अर्थ कर दिया अपन ने, ठीक है। इसके 4 नंबर पिन ये है, और ये 4 नंबर पिन अपनी जो है ये निकल गया साउंड के लिए, ये साउंड लगा दिया अपन ने, स्पीकर LS स्पीकर, इसका एक सिरा अपन ने ग्राउंड कर दिया, अर्थ कर दिया। 5 नंबर पिन ये है, यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट सप्लाई दे दी प्लस। अब इसकी जो माइनस रहेगी, ये माइनस जो रहेगी वो ग्राउंड है इसकी,
ये सभी ग्राउंड आपस में जुड़ जाएंगे। इसका ये सिरा जो है एक नंबर पिन जो होती है ये प्लस है, बाकी ये माइनस है, तो इस माइनस को अपन इसके माइनस से जोड़ देंगे। इस तरीके से ये सर्किट काम करेगा, यानी ये पिन ए पिन ए पिन ए पिन आपस में जुड़ी हुई है। ये एक नंबर पिन हो गई, ये दो नंबर पिन हो गई, ये तीन, ये चार, ये पाँच, इस तरीके से सर्किट काम करेगा। अब इसको आप 6 वोल्ट से लेकर आप 6 वोल्ट से टू 36 वोल्ट तक पे काम करती है। ये 20 वाट का होता है, 20 वाट का आईसी होता है ये। आइए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैं। ये मैंने सर्किट बना के रखा है, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने ये सर्किट बना के रखा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया मैंने। देखिएगा ये टोन कंट्रोल पे वायर गए हुए हैं, ये टोन कंट्रोल और टोन कंट्रोल। देखिए एक ये जो वायर आया है ये टोन कंट्रोल पे आया, इसका ये वायर जो है अपना ये इस पर आया, इस जैक पिन पे। मैं आपको बताया था ये जैक पिन पे आ गया ये वायर, इसका ये लगा हुआ है डबल वाला, ये डबल जोड़ के रखे हुए हैं जी, यहाँ पे निकल गए, ये डबल जोड़ दिए और ये वाला मैंने ग्राउंड कर दिया। और ये दो, ये देखिए इसकी ये प्लस सप्लाई है, ये माइनस सप्लाई है इसकी, ये माइनस सप्लाई मैंने बताया ना, ये इस पर भी जोड़ दी है, स्पीकर पे भी आ गई, ये स्पीकर पे भी आ गई ये सप्लाई। देखिए यहाँ पे मैंने कहाँ गया है वो सर्किट बनाया था जो ये वाला, ये सर्किट बनाया है, ये सप्लाई है, एक दो तीन चार जगह पे जुड़ गई है। देखिए एक जगह पे ये जुड़ी माइनस, और दूसरा इस आईसी के लिए गया है, स्पीकर के लिए भी आ गया है, इस जैक पिन के लिए भी गया है, इस तरीके से ये सब में बट गया है। ये कंप्लीट कर लिया मैंने, अब इसको मैं लगा के बताता हूँ आपको। ये चालू हो गया, इसको इसको अर्थ करना है, अभी इसकी बॉडी को भी अर्थ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं ये अर्थ करता हूँ, देखिए नॉइस ख़त्म हो गया, साउंड डिस्टरबेंस ख़त्म हो गया इसमें, ये घट रहा बढ़ रहा है। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ, देखिए ये काम करने लगा है। ये चालू हो गया, आपका होम थिएटर कंप्लीट हो गया, ये बजने लगा। ओके इस तरीके से ये होम थिएटर अपना बनाया जा सकता है। इस तरीके से आप अपन चाहें तो ये छोटा सा होम थिएटर बना सकते हैं, सबसे सस्ता होगा और सबसे अच्छा होगा। तो भाई लोगों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को आशा है कि पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।